अब तक आपने देखा, सोहम से शादी के बाद नमिता बिल्कुल बदल जाती है। सोहम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने गुरुजी से बात करने की कोशिश की, मगर कोई हल नहीं निकला। तभी अचानक गुरुजी वहाँ आ गए। वो सोनाली की आत्मा की शांति के लिए हवन करने लगे तो सोनाली की आत्मा ने पूरा हवन बर्बाद कर दिया। गुस्से में सोनाली अपने पूरे घर में उथल पुथल मचा रही थी। सारा सामान हवा में उड़ रहा था। वो जिस जगह पर खड़ी थी उस जगह पर आग लगा दी गई और धुआं उठने लगा। धुएं की घुटन के कारण रमा और सोहम की हालत खराब होने लगी। सोनाली की आत्मा उस वक्त उनके शिष्य के शरीर में थी। यदि गुरुजी कुछ करते तो वो शिष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। एक और नमिता की बेहोशी, दूसरी तरफ रमा, सोहम और उनके शिष्य तीनों तकलीफ में थे। गुरुजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो खामोश होकर ईश्वर की आराधना करने लगे। दो दिन पहले जहां नई दुल्हन के आने से खुशियां मनाई जा रही थी, आज वहां मातम पसरा हुआ था। तभी गुरुजी के गुरुजी उन्हें अवचेतन अवस्था में जाकर बताते हैं कि बेटा, देर मत कर, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। उस ताबीज की ताकत इतनी नहीं कि वो ज्यादा देर तक सोनाली की आत्मा को नमिता के शरीर में प्रवेश करने से रोक सके। और इस बार जो उसने नमिता के शरीर में प्रवेश किया तो वो नमिता और सोहम की जान लेकर ही रहेगी। मगर गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये आत्मा साधारण आत्मा नहीं, बल्कि नई नवेली दुल्हन की आत्मा है। अपने साथ कई सारे अरमानों को लेकर मरी है। अपने अरमानों को पूरा करने का रास्ता उसे नमिता का शरीर ही नजर आ रहा है। वो कुछ भी कर सकती है। गुरुजी योग निद्रा में अपने गुरु से बात कर रहे थे, इसलिए खामोश थे। मगर सोनाली को लग रहा था कि वो उसे सोहम से दूर करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। उसने गुस्से में उन्हें योग निद्रा से बाहर निकालने के लिए खुद ही अपने हाथ में चाकू लेकर शिष्य के गले और हाथों पर वार करने लगी। उसका घाव इतना गहरा हो गया कि शिष्य की चीख निकल गई। अपने शिष्य की चीख सुनते ही गुरुजी की योग निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य खून में लथपथ उनके सामने खड़े थे। कभी वो दर्द से कराह रहे थे तो कभी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी समझ गए कि सोनाली उन्हें आगाह कर रही है कि यदि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो किसी की भी जान ले सकती है। तभी सोनाली की आत्मा उस शिष्य के शरीर से निकलकर रमा जी के शरीर में समा गई। अब रमा जी हवा में उड़ रही थी। एक को घायल कर दिया, अब इसकी बारी है। चले जाओ दुष्ट, मेरे काम के बीच में मत आना, वरना नमिता को बचाने के चक्कर में तू रमा और सोहम को भी खो देगा। सोहम सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी के भी साथ बांट नहीं सकती हूँ। कहते हुए वो हवा में ही रमा जी के शरीर से बाहर हो गई। जैसे ही वो बाहर हुई, रमा जी जमीन पर गिर गई और उन्हें चोट लग गई। अब भी मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो या तुम खुद जाओगे? तुझे क्या लगता है, तू अपना माया जाल फैलाएगी और हम डर जाएंगे? मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो बता बूढ़े, तू क्या करेगा? हाँ मुझसे बचना नामुमकिन है। मगर गुरुजी उसकी किसी भी बात का जवाब ना देखते हुए ध्यान मुद्रा में लीन थे और सोनाली का सच जानने की कोशिश करने लगे। आज से करीब 20 साल पहले कितने अरमानों से मेरे बाबा ने मुझे दुल्हन बनाकर विदा किया था। अपने बाबा की इकलौती बेटी थी, इसलिए खुद की मारुति में बैठा कर मुझे ससुराल भेजा था। सोचा था बिन माँ की बेटी को सास के रूप में माँ मिल जाएगी, मगर माँ बनना तो दूर, वो सास भी नहीं बन पाई, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था उससे कम दहेज लेकर सोनाली अपने ससुराल आई थी।
अरे कर्मचारी, एक काम भी तुझसे ढंग से नहीं होता। पता नहीं थोड़े से पैसे देकर तेरे बाप ने समझा कि बेटी जीवन भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, मगर मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। चलो चुपचाप खाना बनाओ। अपने पिता के घर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही सोनाली को ससुराल में चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा था। चूल्हे की तेज आंच से सब्जी और रोटी चल गई। घर में सारी सुख सुविधा थी, मगर बहू के लिए कुछ भी नहीं। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो जला हुआ खाना देखकर पति मोहन ने खाने की थाली सोनाली के सर पर दे मारी। ये क्या है, कुछ नहीं आता क्या तुझे? सोनाली ने डरते हुए जवाब दिया। मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। मैंने माजी से कहा था गैस पर बना लूं, मगर उन्होंने मना कर दिया। सही तो क्या माने, गैस का सिलेंडर कितना महंगा आता है। माँ, अब जब तक ये चूल्हे पर खाना बनाना ना सीख जाए, चूल्हे की लकड़ी भी जंगल से यही लेकर आएगी। बेटे की बात सुनकर सास तो इतनी खुश हुई कि मानो उसे मन की मुराद मिल गई हो। सास जिस रात सोनाली को परेशान करती, रात में पति बिस्तर पर अपनी हवस पूरी करता। सोनाली जब अपने आस पड़ोस की महिलाओं से अपने पति के साथ बिताए हुए सुनहरे पलों के बारे में सुनती तो उसे लगता शायद ये सब कुछ उसकी किस्मत में नहीं है, मगर दिल के किसी कोने में एक कसक जरूर थी। एक दिन छोटी सी गलती पर सोनाली को उसके पति और सास ने इतना मारा कि वो वहीं बेहोश हो गई। दोनों माँ बेटे को डर लगने लगा। उन्हें लगा शायद सोनाली मर गई है। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए उन लोगों ने आधी रात के वक्त सोनाली को अपने खेत के पेड़ के नीचे दफना दिया था। सोनाली जिंदा दफन हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा इस पेड़ के अंदर रह गई। समय बीतने के साथ उस खेत पर ही रिसोर्ट बन गया और वो पेड़ उस रिसोर्ट के गार्डन का हिस्सा था। सोनाली की अतृप्त आत्मा आज भी किसी सच्चे हम सफर की तलाश में भटक रही थी, जो सोहम पर जाकर पूरी हुई। सोनाली की अतृप्त आत्मा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने उसे शांत रहने के लिए कहा। तेरा भूतकाल अभी मेरी आंखों के सामने था। तूने जो प्रताड़ना झेली है उसके बाद तू सोहम के साथ ही रहने की हकदार है। वो तेरा विशेष ख्याल रखेगा, मगर एक शर्त है, तू घर में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बोल, मंजूर है? सोनाली गुरुजी के बहकावे में आकर हाँ कर देती है। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा विश्वास रख बेटी, यही सही है, सब कुछ ठीक होगा। कहते हुए वो अपने शिष्य के साथ रमा जी के घर से निकल गए। घर के लोग नमिता के शरीर में रह रही सोनाली की आत्मा के कारण खौफ में थे, मगर पिछले 8 दिनों में उसने किसी के साथ भी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। मगर नमिता का शरीर दो दो आत्माओं को नहीं झेल पा रहा था। 8 दिन में ही उसका सुंदर सा नया नवेला शरीर ऐसा लग रहा था कि मानो सालों से बीमार हो। उसकी हालत देखकर सोहम बहुत परेशान था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसके फोन पर एक फोन आया और वो तुरंत रमा जी से बोला, माँ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम तक घर लौट आऊंगा। अपना और नमिता का, मेरा मतलब नमिता और सोनाली का ध्यान रखना। सोहम के मुंह से अपने लिए फिक्र की बातें सुनकर सोनाली खुश हो गई। कुछ देर बाद अचानक नमिता के शरीर में पीड़ा होने लगी। वो दर्द से चिल्ला रही थी। देखते ही देखते उसका रूप भयानक हो गया। रमा जी उसके करीब आई और वो जोर जोर से चिल्ला कर बोली, धोखा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम लोग नमिता को बचाना चाहते हो ना, अब ये भी नहीं रहेगी। कहते हुए सोनाली हवा में उड़ते हुए छत पर पहुंच गई और वहीं से नमिता को लेकर कूद गई। रमा जी कुछ नहीं कर पाई। सोनाली की आत्मा उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां से वो सोम के साथ आई थी। वहां पर गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ सोनाली का शव निकाल कर विशेष पूजा कर रहे थे। उस पूजा का मुख्य यजमान सोहम था। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, तुम अधूरी इच्छाओं के साथ मरी थी, मगर तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हिसाब से ही होगी। आज तुम्हारे शव का अंतिम संस्कार तुम्हारे पति सोहम के हाथों ही होगा, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। कहते हुए गुरुजी ने सोहम को इशारा किया। सोहम ने तुरंत सोनाली के कंकाल को अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे जैसे शव चल रहा था वैसे वैसे सोनाली की आत्मा भी
अनंत में विलीन हो गई। दूसरी तरफ नमिता ऊंचाई से गिरने के कारण कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। एक समस्या का हल मिलने के पहले ही दूसरी समस्या खड़ी हो गई, मगर गुरुजी ने उसके लिए महामृत्युंजय की विशेष पूजा की और उसे नया जीवन मिला था। अब हर साल दोनों सोनाली की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते, और नमिता ने तो सोनाली को अपने मंगल सूत्र के साथ स्थान दिया था। रमा जी, नमिता और सोहम की पहली बेटी का नाम भी सोनाली रखा गया।